जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे दुनिया के अंदर ये महामारी फैली हुई है, इसके चलते काफ़ी समय से विद्यालय खुल नहीं पाए हैं, तो गार्जियनों के और हमारे जो अभिभावकगण हैं उनकी समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि उन पे ज़्यादा भार न पड़ने पावे, इसलिए विद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि जो बच्चे हमारे पुराने जो सेशन में चल रहे हैं उनकी अप्रैल मई जून जुलाई यानी कि 4 महीने की फ़ीस उनसे नहीं ली जाएगी, पूरी तरीके से निःशुल्क रहेंगे वो, उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी कोई भी। और एक चीज़ और भी है कि जो नए बच्चे हैं उनके अभिभावकों में एक शंका उत्पन्न है कि हम एडमिशन लेने जाएंगे तो हमसे पूरे साल की फ़ीस चार्ज की जाएगी जैसा कि पूरे साल की फ़ीस ली जाती है, तो उस पर भी मैंने एक निर्णय लिया है। और मैंने क्या मतलब, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया है कि इसमें भी अभिभावकों को और बच्चों को 6 मंथ की सुविधा दी जाए, यानी 6 महीने की फ़ीस उनकी जो है नहीं ली जाएगी, और साथ ही साथ जो एडमिशन शुल्क लिया जाता है उसको भी पूरी तरीके से माफ़ किया जाए। कॉलेज के प्रबंधक हैं और आपने नए बच्चों के लिए क्या योजनाएं बनाई है जो नए एडमिशन लेंगे बच्चे? नए बच्चों के लिए योजना बनाई है कि 6 महीने की फ़ीस उनकी पूरी तरीके से माफ़ रहेगी, नहीं ली जाएगी, और जो एडमिशन शुल्क लिया जाता है और मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है वो भी पूरी तरीके से नहीं लिया जाएगा। पुराने बच्चों के लिए क्या योजना है, जो पढ़ाई कर रहे हैं विद्यालय में अभी उनके लिए क्या योजना है? उन बच्चों के लिए 4 महीने की फ़ीस नहीं ली जाएगी और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या कंप्यूटर चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये किसी प्रकार का कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। आपको इस तरह के कार्य करने की या इस तरह का डिसीजन लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जैसा कि मतलब हमने देख लिया है कि प्रवासी मजदूर परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, नौकरी पेशा लोग परेशान हैं, सब तरफ परेशानी का माहौल क्रिएट हो गया है, सब तरफ परेशानी का माहौल बना हुआ है। इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि बच्चों के ऊपर जो है अधिक भार न पड़ने पावे ताकि बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें और वो आगे बढ़ सकें।